चुकी है काफी जबरदस्त। और क्लीनिंग देखिए दोस्तों, क्लीनलीनेस कितना मेंटेन किया है ट्रेन ने, हमारे लिए तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे सर सबसे बेस्ट ट्रेन है, पार्ट ले रही है गोंदिया जंक्शन से, हमारी सिक्योरिटी काफी तगड़ी है ट्रेन में। इंटीरियर सर जी कैसा लग रहा है आपको ट्रेन में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं दोस्तों, उसके जो मिरर्स है काफी जबरदस्त लग रहे हैं, इधर बैठे हैं। ठीक है देखते हैं अभी ट्रेन तिरोड़ा स्टेशन, ट्रेन में कुछ यूट्यूबर्स काफी मजा आ रहा है, हम ना इनको काफी अच्छा लगा इस ट्रेन के, अब वो हटेंगे दो चार। सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अभी अराइवल हो रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का गोंदिया जंक्शन पे, 2 मिनट लेट चल रही, सॉरी 4 मिनट लेट चल रही है ट्रेन गोंदिया जंक्शन में। अभी यहाँ से देखिए कितनी प्यारी ट्रेन लग रही है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या आपने बुलेट ट्रेन देखी? वाओ वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। आपने बुलेट ट्रेन देखी है? नहीं तो ये है इंडिया की बुलेट ट्रेन। जी हाँ अभी जबरदस्त स्पीड से जा रही है, रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नागपुर जंक्शन इस वंदे भारत एक्सप्रेस से। जी हाँ काफ़ी जर्नी बढ़िया होने वाली है। तो अभी देखिए C4 हमारा कहाँ है, C4 में हमारा कोच है, अभी जाते हैं C4। ओके 45 सीट है, ये है ट्रेन और दोस्तों वाले हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, देखते हैं अब कब खुल रहे हैं। ओके डोर्स ओपन हो चुके हैं और हम अभी इंटर होने वाले हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। दोस्तों 45 सीट है हमारी और देखिए अंदर से ट्रेन कितनी ज़बरदस्त दिख रही है, पैसेंजर्स काफ़ी है ट्रेन में, देखिए काफ़ी पैसेंजर्स है इस ट्रेन में। देखिए भैया क्या नाम भैया आपका? बढ़िया, कैसा लगा ट्रेन में आपको? बढ़िया, काफ़ी फुल है ट्रेन, देखिए दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त। और क्लीनिंग देखिए दोस्तों, क्लीनलीनेस कितना मेंटेन किया है ट्रेन ने, सीट्स काफ़ी, हमारी 45 सीट है मिल गई इधर है। ओके ये हमारी सीट है और सामने हम ऊपर कुछ रख सकते हैं अपने बैग्स वगैरह, पैसेंजर्स बैठे हैं ट्रेन में। और दोस्तों अगर बुलेट ट्रेन नहीं देखे तो ये इंडिया की बुलेट ट्रेन है। जी हाँ देखिए पैसेंजर्स, सबसे पहले तो आपको इसके कुछ फीचर्स दिखा देते हैं आपको। कैसा लग रहा है आपको ट्रेन में? बढ़िया बेस्ट। नमस्ते जी नमस्ते। अभी आपको पूरी ट्रेन दिखाऊंगा मैं, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेन है ये दोस्तों, बुलेट ट्रेन है इंडिया की। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे सर सबसे बेस्ट ट्रेन है सर ये, और बिलासपुर गोंदिया के लिए और नागपुर के लिए भी। चलिए हम सबसे बात करेंगे एक एक करके, अभी चलिए अपने सीट पर बैग रख देते हैं और घूमते हैं फिर पूरी ट्रेन। ये चेयर कार है दोस्तों इस ट्रेन का, अभी हमारी सीट ले रही है गोंदिया जंक्शन से, हमारी जो सीट है उल्टे साइड में डायरेक्शन में। अभी देखिए काफ़ी पब्लिक है गोंदिया जंक्शन पे और ट्रेन में भी काफ़ी पब्लिक है, सबसे पहले तो वो देखिए। अच्छा अभी ये देखिए इस एंगल से देखिए आप वीडियो, विस्टाडोम कोच जो होता है ना दोस्तों उसी तरह का फील आ रहा है इस ट्रेन में भी। बंद हो गया। अभी स्पीड भी मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेन की कितनी चल रही है। अभी बस डिपार्चर देखिए गोंदिया जंक्शन से ट्रेन का, सबसे पहले तो नाश्ता कर लो आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी भैया नाश्ता पूछने आए थे। अरे उनको क्या पता, अभी तो हम गोंदिया से बैठे हैं। देखिए अभी मैं गोंदिया जंक्शन का आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, वो ये देखिए। ओके सिक्योरिटी काफ़ी तक, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक डोर्स ट्रेन के इंटीरियर साइड में भी है, देख चुके हैं आप। अभी ये देखिए भाई साहब हमारे को दिखाएंगे
डीप फ्रीजर है, इसमें बॉटल कूलर है, एक प्रकार से ये दोस्तों पैंट्री ही है। जी हाँ, ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सारी चीज़ें यहाँ जो खाने पीने की ट्रेन में सर्व की जाएंगी वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। पैसेंजर्स ट्रेन में काफ़ी है, काफ़ी तो नहीं दिख रहे, ठीक है नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, बाकी ट्रेन की जो कुशंस सीट्स है काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों ये। हाँ जी, ये रोटेट नहीं होती सीट, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, नो 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 दोस्तों, चेयर कार की जो सीट्स है वो रोटेट नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीट्स रोटेट होती है। अभी एक भैया मिले, सर जी कैसा लग रहा है आपको ट्रेन में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। कहाँ से आए सर आप? सर हम लोग तो अपना ये IRCTC दीपक एंड कंपनी से हम लोग हैं। ओ अच्छा सर, आपको जो ये ट्रेन लगी है इस रूट पे कैसी लग रही है? सर हम लोग को तो बहुत अच्छा लगी है, और भी बंदे भारत चल रही है। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर में, जैसे आपका अपना कैटरिंग हम लोग चलाते हैं, कैटरिंग का सर जी, बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके खुशी हुई सर, हाथ ही से। दीपक एंड कंपनी से। क्या नाम है सर आपका? मेरा रोहित कुमार वर्मा। रोहित कुमार वर्मा, दीपक एंड कंपनी। दीपक एंड कंपनी, अच्छा यानी आप कैटरिंग इससे हैं जी, जी ट्रेन की। अच्छा सर, आपसे मिलके अच्छा लगा सर। देख चुके जैसी दोस्तों आप, अभी हम दीपक कुमार गुप्ता से मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने वीडियो देखी है और काफ़ी अच्छा लगा है इनको हमारा वीडियो, तो दोस्तों इनसे मिलके मुझे अच्छा लगा है। अब देखते हैं आगे आगे और कौन मिलता है यूट्यूबर, इस ट्रेन में काफ़ी यूट्यूबर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आगे। हाँ जी हाँ जी, अभी हम पूरा ट्रेन घूमेंगे क्योंकि अभी हमारी सीट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पूरी ट्रेन देखिए, ऑटोमेटिक डोर्स ये खुल चुके हैं और इधर सर जी बैठे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है आप इनके चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कीजिए, सो हाइपर इनका चैनल है, जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी इनका सब्सक्राइबर हूँ। हाँ जी yes. बहुत बढ़िया। और आपका क्या है चैनल का नाम? अग्रवाल जी टेक्निकल। अग्रवाल जी टेक्निकल, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, सो हाइपर वालों कर दीजिए, बहुत मजा आएगा, कोलेब्रेशन हो चुका है। अब हम आगे जा रहे हैं ट्रेन के, देखते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है ट्रेन में, फुल AC का भी मेंटेन रखे है ट्रेन में। देखिए दोस्तों उसके जो मिरर्स है काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम व्यू जो आ रहा है वो क्लीन आ रहा है। अभी ट्रेन थोड़ी स्लो स्पीड हो चुकी है, पता नहीं क्यों, अभी ट्रेन थोड़ी स्लो स्पीड से जा रही है और ये न्यूज़पेपर उन्होंने दिए हैं, देखते हैं पढ़ के क्या है न्यूज़ इसमें। नवभारत पेपर सॉल्व किया जा रहा है ट्रेन में, अभी थोड़ी देर बैठ जाते सीट पर अपनी और जर्नी को एंजॉय करते हैं। देखिए व्यू कितना जबरदस्त आ रहा है, ट्रेन तिरोड़ा स्टेशन को स्किप कर रही है और सामने है विदर्भ एक्सप्रेस खड़ी। देखिए 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, फील ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, एकदम स्मूथ रन हो रहा है ट्रेन का, फील ही नहीं होगा। तो गोंदिया से ट्रेन डिपार्ट ले चुकी थी लेकिन मैं सीट पे अवेलेबल नहीं था, तो उस कारण कुछ भी सर्व नहीं हो पाया कैटरिंग में। लेकिन अभी मैंने बात किया है पेंट्री वाले भैया से, तो उन्होंने बोले ठीक है अभी हम सर्व कर देते, तो अभी देखते हैं पानी वगैरह क्या आता है। नॉनवेज फूड हमने ऑर्डर किए थे, अभी वो बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है नॉनवेज फूड फर्स्ट डे, इसके कारण क्योंकि कमर्शियल रन फर्स्ट डे इस ट्रेन का, बाकी देखते हैं अब क्या मिलता है। अभी आप मज़े लीजिए इस, चलिए तुमसर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को ट्रेन स्किप कर रही है।
170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी ट्रेन की चल रही है। नॉर्मल ट्रेन इतनी स्पीड से स्टेशन को स्किप नहीं करती, बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस स्किप कर रही है। अभी तो हॉल्ट नहीं दिया है तुमसर रोड जंक्शन पे, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि तुमसर रोड जंक्शन पे हॉल्ट दे दे इस ट्रेन का। इंडिया से तुमसर तक जो नॉर्मल ट्रेन चलती है तो उनको 45 मिनट्स लगते हैं तुमसर रेलवे स्टेशन तक आने के लिए, लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस एकदम 30 मिनट में ही आ गई है तुमसर रोड रेलवे स्टेशन पर। इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ रख सकते हैं, बाकी ये हर सीट में इसी तरह का है, कुछ रखना है सब रख सकते हैं इसमें। अच्छा, ये है दोस्तों इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, जिससे आप स्विच करिए, कोई भी बटन दबाइए। यहाँ से एक टॉक की बटन है और वेट की बटन है, इसको दबा के आप बात कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको हो, कुछ ज़रूरत हो तो आप बात कर सकते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा है ट्रेन में, सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी है। और अभी हम ट्रेन में कुछ यूट्यूबर्स, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एनर्जेटिक एकदम लग रहा है दोस्तों, वाम एनर्जेटिक लग रहा है। क्या नाम है आपका? किशन सहगल। और क्या चैनल नेम है आपका? न्यू अपडेट। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इनके चैनल को। और आपका भैया? मेरा अभिनव पीटर्स। अभिनव पीटर्स, चैनल नेम? अभिनव पीटर्स से नाम से। अच्छा, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई सो हाइपर को भी सब्सक्राइब करिए। हम भाई को बहुत टाइम हमने देखा है, कंटेंट बहुत बढ़िया था। अच्छा, सबसे पहले अपडेट इन्हीं के चैनल में मिली वंदे भारत की। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत है, मेरा चैनल है जीएस अरोड़ा ब्लॉग्स। देखिए दोस्तों, अभी इनको सबसे पहले तो मैंने फेस ऑफ किया नहीं, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोज आती है बिहाइंड द कैमराज ही आती है, तो कोई पहचानता नहीं। अभी देखिए सर जी मिले हैं। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग मिल रहे हैं यूट्यूबर्स, सबसे ज़्यादा तो इसी ट्रेन में। कल भी मिले थे, अब ठीक है, अच्छा लगा भैया से मिल के। कैटरिंग सर्विस में अभी हम इसका रिव्यू करेंगे। हमारा दोस्तों नॉनवेज फूड था, बट इन्होंने क्या दिए, ठीक है देखते हैं। दोस्तों ट्रॉपिकाना का जूस मिला है, पाइन एप्पल डिलाइट सैंडविचेस है, पनीर कटलेट है, इसके आप टी मिल जाएंगी, कर्ड है। और उसमें देखते हैं अभी इसका रिव्यू देते हैं आपको किस टाइप का है। कटलेट कुछ टाइप का है। दूसरे बॉक्स को खोलते हैं, ऑमलेट मिला है, टी सर्व की जाएंगी, दही है, ब्रेड सैंडविच है, केक है और जूस है। अब सबको ट्राई मारेंगे हम, ठीक है। यह है ऑमलेट, चलिए इसको अब खाते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। कुछ कटलेट है, इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, इसका भी टेस्ट अच्छा है। ये जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, जी हाँ, एकदम लोको पायलट के पास का व्यू दिखने वाला है आपको। अभी ट्रेन का भी स्मूथ चल रही है और काफ़ी स्पीड से भी चल रही है। अभी मैं आपको कुछ ही टाइम में दिखाऊंगा। ओ, अभी मूवमेंट हो रहा है ट्रेन में, कुछ तो भी हो रहा है मूवमेंट। देखिए दोस्तों ट्रेन थोड़ी हिल रही है, ठीक है। बाकी 130 की स्पीड अभी भी मेंटेन है ट्रेन की, बस अभी 29 किलोमीटर अभी दूर है नागपुर जंक्शन इसके कारण, ठीक है। तो दोस्तों ये है एग्जीक्यूटिव चेयर कार इस ट्रेन का, देखिए काफ़ी क्लीनलीनेस मेंटेन है इस एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको इसके सीट्स जो रोटेट हो सकती है। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी ये पैसेंजर्स बैठे हैं, सीट रोटेट हो चुकी है, 180 डिग्री तक सीट रोटेट होती है इस ट्रेन की एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। देखिए पैसेंजर्स बैठे हैं, काफ़ी स्मूथ ट्रेन चल रही है। चलिए आगे चलते हैं लोको पायलट के पास। दो ही चेयर एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच है इस ट्रेन में, थोड़ी तो मूवमेंट हो रही है। अभी हम नागपुर के पास आ ही चुके हैं, 88 की स्पीड चल रही है ट्रेन की, 25 किलोमीटर दूर है नागपुर जंक्शन। अभी हम बस लोको पायलट के पास जाने ही वाले हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू सामने से, स्पीड से काफ़ी ट्रेन चल रही है, इधर पैसेंजर्स बैठे हैं। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ लोको पायलट के पास। देखिए अब वो हटेंगे, दो चार बाकी स्टाफ है सामने, इसके कारण अंदर एंट्री नहीं हो रही। बाकी कल तो दोस्तों एंट्री हो चुकी थी, आज पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहा है।
स्पीड काफ़ी स्मूथ चल रही है, फास्ट चल रही है। अपडेट मिलती रहेंगी चैनल पर आपको इस ट्रेन से रिलेटेड। अभी इसके कुछ फीचर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दिया था इमरजेंसी टॉक बैक है, यहाँ से आप ये यूनिट है यहाँ से बात करना है, कुछ प्रॉब्लम हो ट्रेन के बारे में तो आप बात कर सकते हैं इजीली। अभी ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है, इस टाइप के बोर्ड्स है ट्रेन में, देखिए इसमें दिखा रहा है कि ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, कितने डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी ले रही है ट्रेन। ट्रेन में साफ़ सफाई भी मेंटेन है, भैया जी साफ़ सफाई कर रहे हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? प्रकाश भाई। बढ़िया लगा भैया से मिलके। मेंटेन करते हैं इस ट्रेन की साफ़ सफाई और इन्हीं के कंधों पर ये ट्रेन है जी। अगर ट्रेन में साफ़ सफाई नहीं रहेंगी तो आप कब आओ, क्यों आओगे इस ट्रेन में? तो भैया है तो साफ़ सफाई है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। भैया मिल के अच्छा लगा, मिलते हैं। दोस्तों अभी हम है कलमना रेलवे स्टेशन पर, सबसे पहले तो दोस्तों ट्रेन में लगा ही नहीं कि टाइम कब चले गया, कब पास हुआ पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड से ट्रेन जा रही थी। सबसे पहले तो ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जिसका फेयर गोंदिया से नागपुर तक का 1000 रुपये के आसपास, सॉरी 1000 रुपये के आसपास है। देखिए मैं ही दिख रहा हूँ और क्या दिखेगा दोस्तों आपको, सीट्स वही तो है, इसकी खासियत वही तो है दोस्तों, इसकी जो सीट्स है वो घूमती है 90 डिग्री तक रोटेट हो रही है। चलिए इसको अभी हम रोटेट करते हैं, इस सीट को यहाँ से हमको पुश करना है। ये हो गई है एकदम 90 डिग्री रोटेट हो रही है सीट। चलिए कहाँ से आई आंटी जी आप? मैं तो नागपुर ही रहती हूँ। दुर्ग से आए आप? आंटी जी से। अच्छा नागपुर से आई है, मिले काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। हाँ जी एक्साइटेड हो। कैसा लगा आपको ये जर्नी करके? सबसे पहले तो ट्रेन में बहुत ही बढ़िया लगा इनको, इनको काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेन में सफ़र करके। अभी इनके जुबानी सुनते हैं कि इनको ट्रेन में सफ़र करके कैसे लगा। आंटी जी कैसे लगा आपको? स्टार्ट हुई और मेरा बेटा चाहता था कि मैं गोंदिया से वापस नागपुर इसी ट्रेन से आऊँ, उसने मुझे रिजर्वेशन करके दिया, काफ़ी अच्छा गुड फील किया। काफ़ी अच्छा सीट्स इसकी काफ़ी, और जर्नी दोस्तों लगेगा ही नहीं आपको कि इतने जल्दी आप नागपुर पहुँच सकते हैं कोई भी ट्रेन से। जी हाँ, जो इससे पहले दुरंतो एक्सप्रेस चलती है 5:30 लेती है, लेकिन ये 5:30 लेती है बिलासपुर से नागपुर तक का सफ़र करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बस आप आइए और ट्रेन में मज़ा लीजिए। नाती ने करके दिए मेरे को। हाँ जी इनके ना बिफोर ट्रेन आई है, 17 बिफोर ट्रेन आ चुकी है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 12:15 PM का इसका अराइवल टाइम है, बट 11:57 AM को ही आ गई है ट्रेन। देखिए ट्रेन में पैसेंजर्स कितने सारे हैं और सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा तगड़ी है। डोर्स ओपन होने के इसके कारण थोड़ा रश दिख रहा है आपको। अभी सब फोटो खिंचवाने के लिए आगे खड़े हैं। रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की ये ट्रेन है। है क्या विनोद का नंबर है क्या? चलिए सब फोटोज निकाल रहे हैं, अपनी अपनी निकालिए कोई दिक्कत नहीं।
और ये है, हाँ जी, ये है ट्रेन का फर्स्ट लुक, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, अराइवल हो चुका है, ट्रेन काफ़ी पहले आ चुकी है, काफ़ी क्लीन ट्रेन दिख रही है, देखिए